हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद अकेडमी। आज की वीडियो हमारी 12 जनरल इंग्लिश वर्कबुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज की 5th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, समराइज द पोएम वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। हमें वर्ड्स पोएम को 80 वर्ड्स में समराइज करना है। जैसा कि हमने जितने भी सेंट्रल आइडियाज़ और वर्कबुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए हैं उनमें हमने स्टार्टिंग में कुछ कोट्स ऐड किए हैं, तो इसमें भी हम स्टार्टिंग में एक कोट एंड करेंगे एक एंड में। इससे आपका जो आंसर होगा वो दूसरे लोगों से डिफरेंट एंड यूनिक दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कोट है, बी श्योर टू टेस्ट योर वर्ड्स बिफोर यू स्पिट देम आउट। बी श्योर टू टेस्ट योर वर्ड्स बिफोर यू स्पिट देम आउट। इससे पहले कि आप बोलें, अपने शब्दों का स्वाद लेना खुद सुनिश्चित करें। अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ क्लासीफाइड द वर्ड्स वेरी ब्यूटिफुली एंड सब्जेक्टिवली। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ क्लासीफाइड द वर्ड्स वेरी ब्यूटिफुली एंड सब्जेक्टिवली। इस कविता में कवि ने शब्दों को बहुत खूबसूरती से और विषयगत रूप से क्लासीफाइड यानी वर्गीकृत किया है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ क्लासीफाइड द वर्ड्स वेरी ब्यूटिफुली एंड सब्जेक्टिवली। ही क्लासीफाइज देम इन सेवरल ग्रुप्स सच अ सैड सेंटेड एंड बैड स्मेलिंग वर्ड्स। ही क्लासीफाइज देम इन सेवरल ग्रुप्स सच अ सैड सेंटेड एंड बैड स्मेलिंग वर्ड्स। कभी ने शब्दों को कई समूहों में वर्गित किया, जैसे सुगंधित और खराब में वाले शब्द। ही क्लासीफाइज देम इन सेवरल ग्रुप्स सच अ सैड सेंटेड एंड बैड स्मेलिंग वर्ड्स। फर्दर ही सेज दैट वर्ड्स आर ओपन स्ली स्लाइमी एंड ड्राई व्हाइल सम अदर्स आर कोल्ड हॉट टेंडर एंड हार्ड। फर्दर ही सेज वर्ड्स आर ओपन स्ली स्लाइमी एंड ड्राई while some others are cold, hot, tender and hard. इसके अलावा वे कहते हैं कि शब्द खुले धूर्त सुस्त और शुष्क हैं, जबकि कुछ अन्य शब्द ठंडे गर्म कोमल और कठोर हैं। आगे है, words are also honest, cheat, bitter and sweet. शब्द ईमानदार धोखेबाज कड़वे और मीठे हैं। वर्ड्स आर ऑल्सो ऑनेस्ट चीट बिटर एंड स्वीट। द पोएट ऑल्सो टर्म द वर्ड्स टू बी मूविंग क्विकली और स्लोली। कवि ने शब्दों को जल्दी या धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला कहा है। सम ऑफ देम आर श्रिंकिंग एंड अदर ग्रोइंग। सम ऑफ देम आर श्रिंकिंग एंड अदर्स ग्रोइंग। उनमें से कुछ सिकुड़ रहे हैं और कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सम वर्ड्स टू रिमेंबर एंड सम टू फॉरगेट। सम वर्ड्स टू रिमेंबर एंड सम टू फॉरगेट। कुछ शब्द याद करने के लिए, कुछ शब्द भूलने के लिए। अमंग दीज वर्ड्स सम ऑफ देम आर यूज्ड अ लॉट बट ऑफ देम वेरी लिटिल। इन शब्दों के बीच कुछ का बहुत उपयोग किया जाता है, कुछ का बहुत कम। सो वर्ड्स हैव देयर ओन वर्ल्ड एंड नो वन कैन इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस इन वंस लाइफ। इसलिए शब्दों की अपनी दुनिया है और कोई अपने जीवन में शब्दों के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सो वर्ड्स हैव देयर ओन वर्ल्ड एंड नो वन कैन इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस इन वंस लाइफ। अब हम एक एंड में कोट ऐड कर देते हैं। सम वर्ड्स हर्ट मोर देन द पेन। पेन कैन बी हील्ड वर्ड्स स्टेट्स लॉन्गर। कुछ शब्द दर्द से ज़्यादा आहत करते हैं, दर्द ठीक हो सकता है। शब्द लंबे समय तक, शब्द का जो असर रहता है लंबे समय तक रहता है। सम वर्ड्स हर्ट मोर देन द पेन। कुछ जो शब्द होते हैं वो दर्द से भी ज़्यादा
आहत करते हैं। पेन कैन बी हील्ड, दर्द ठीक हो सकता है लेकिन जो शब्दों का असर है वो बहुत दिनों तक नहीं जाता है। एक बार और हम स्टार्ट कर लेते हैं। बी सॉ टू, टेस्ट योर वर्ड्स बिफोर यू स्पिट देम आउट। इन दिस पोएम द पोएट हैज क्लासिफाइड द वर्ड्स वेरी सब्जेक्टिवली एंड ब्यूटिफुली। ही क्लासिफाइज them in several groups such as sad, scented and bad smelling words. Further he says that the words are open, sly, slimy and dry, while some others are cold, hot, tender and hard. Words are also honest, cheat, bitter and sweet. The poet also termed the words to be moving quickly or slowly. Some of them are shrinking and others growing. Some words to remember and some to forget. Among these words, some of them are used a lot, but of them very little. So words have their own world and no one can ignore their importance in one's life. अब हम लास्ट में quoted कर देते हैं। Some words hurt more than the pen. Pain can be healed, words stays longer. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो आपके दोस्तों और बाकी जो भी आपके रिलेटिव हैं सबके साथ शेयर करनी है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।